अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आइस एंड स्पाइस विद यस्ट्रा में आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन अफगानी ग्रेवी। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत मज़ेदार रेसिपी बनती है। तो इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए हैं, इसमें सबसे पहले मैंने एक बंच धनिया का ले लिया है और 4 से 5 मैंने लहसुन के जवे ले लिए। बड़े हैं तो मैंने 4 से 5 लिए, आप 6-7 भी ले सकते हैं। छोटे हैं तो एक अदरक का टुकड़ा लिया है और 6 पतली वाली मिर्चें ले ली हैं। ठीक है जी, इसके बाद हम इसको मिक्सर में डाल के जो है वो पीस लेंगे। ठीक है, और जो इसमें मैंने एक छोटी सी प्याज भी शामिल की, इसके बाद हमने इसका पेस्ट बना लिया है। ठीक है, इसके बाद मैंने चिकन ले ली है, चिकन मैंने 200 ग्राम के ऊपर ली है। ठीक है जी, 1 पाव के आसपास चिकन है ये। इसमें मैं अपना जो हमने पेस्ट रेडी किया है हरी धनिया और हरी मिर्च वाला, वो शामिल कर दूंगी। 1 कप दही ले लिया है मैंने, 1 कप दही शामिल कर दूंगी। ठीक है जी, इसके बाद हम इसमें मसाले डाल रहे हैं। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून भर के जो है वो धनिया, वो है ज़ीरा है जिसको मैंने भून लिया है, पहले ड्राई रोस्ट कर लिया है वो है, और 2 टेबलस्पून इसमें मैंने कसूरी मेथी शामिल की है। ठीक है जी, इसके बाद जो है वो इसमें मैं 6 टेबलस्पून जितनी क्रीम ऐड करी, जो नॉर्मल टेट्रा पैक की क्रीम का पैकेट आता है वो वाली क्रीम हम इसमें शामिल कर रहे हैं। ठीक है जी, इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स, और इसके बाद इसमें 1/2 लेमन स्क्वीज कर लूँगी मैं। ठीक है, ये सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो गया। अब एक पतीले में हमने जो है वो ऑयल ले लिया है, ऑयल हमने 1/2 कप ले लिया है। इसमें सारी चिकन हम जो है वो एक एक करके इस तरह से उठा के फ्राई कर लेंगे। इसकी मसाला भी हम शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ चिकन शामिल करेंगे और इसको तब तक कुक करेंगे जब तक हमारी चिकन पूरी कुक ना हो जाए। चिकन का कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन में जैसे ही जाना शुरू होगा, इसके बाद हम इसमें बाकी का रिमेनिंग मसाला ऐड करेंगे। सिर्फ अभी हमने चिकन ऐड की है और इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि इसका इस तरीके का गोल्डन सा कलर आना शुरू हो जाए। ठीक है जी, कोई भी बात समझ में नहीं आती तो रिटन रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं हमेशा लिखती हूँ, चेक कर लिया कीजिए। ठीक है जी, इसके बाद जो रिमेनिंग ग्रेवी हमारे पास बची हुई थी, मसाला जो था वो हमने शामिल कर दिया है। इसके बाद इसको अच्छे से हमने भुनाई करनी है, बहुत अच्छी सी इसकी भुनाई होगी। ठीक है जी, बस और कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ इसमें अब हम ऐड करेंगे मक्खन। बटर ऐड कर रहे हैं, बटर 50 ग्राम्स हम बटर इसमें शामिल कर रहे हैं, बटर आप कोई भी शामिल कर सकते हैं, मैंने अनसॉल्टेड बटर शामिल किया है। ठीक है जी, तो हमने बटर शामिल कर दिया है। बस अब हम जैसे ही मटर हमारा ये मेल्ट होगा हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और जो है वो इसे सर्व कर लेंगे। इसकी थिकनेस भी देखें ऐसी है, ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा होगा। ठीक है जी, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी चिकन अफगानी ग्रेवी की कैसी लगी। फिर मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।